बॉलीवुड के कपूर खानदान में एक से बढ़कर एक सितारे हुए। कई सितारों ने जो है बहुत ऊंचाइयां देखी, तो कई ऐसे भी रहे जिन्होंने नाकामी का चेहरा देखा, जो बहुत चाहने के बाद भी बॉलीवुड में अपनी खास जगह नहीं बना पाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रणधीर कपूर की, जिनकी दोनों बेटियां करीना और करिश्मा ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया, लेकिन खुद रणधीर कपूर जो है बहुत खास काम नहीं कर पाए। सिर्फ 27 फिल्में उनके खाते में हैं और उसमें से भी ज़्यादातर फ्लॉप रहीं। रणधीर कपूर जो है एक तरह से राज कपूर के बेटे थे। कपूर खानदान जो एक दौर था जब फिल्म मेकिंग में इस खानदान का कोई सानी नहीं था। राज कपूर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते थे, लेकिन उनके अपने ही बेटे रणधीर कपूर को जो है बाहर के प्रोडक्शन हाउस में काम करना पड़ा। रणधीर कपूर को बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए खुद फिल्में बनानी पड़ी। तो उनकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि रणधीर कपूर ने ये क्यों कहा कि एक समय ऐसा था जब उनके पास करीना करिश्मा की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, बीवी का खर्च चलाने के लिए उनकी जेब में पैसे नहीं होते थे। रणधीर कपूर जो है राज कपूर के सबसे बड़े बेटे थे। उनका जन्म जो है 15 फरवरी 1947 को हुआ था। रणधीर कपूर जो है कॉलेज की पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं भी आपकी तरह बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहता हूँ, और इसके बाद जो है उनके पिता ने उनसे कहा कि अगर एक्टर बनना है तो फिर किसी और प्रोडक्शन हाउस में जाकर पहले काम सीखो, क्योंकि आरके बैनर्स में तुम जो है काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पिता जो है वहाँ के मालिक हैं। ऐसे में रणधीर कपूर ने लेक टंडन के को जो है असिस्ट करना शुरू किया, उनसे फिल्में बनानी सीखी, साथ साथ जो है बॉलीवुड में खुद भी जो है अपने लिए काम की तलाश करते रहे। और बाद में जो है उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पिता को लेकर और अपने दादा को लेकर फिल्म बनाऊं। तब उन्होंने कल आज और कल फिल्म बनाई। इस फिल्म में जो है बबीता भी उनके साथ थी। आपको ये बताएं कि बबीता से उनकी मुलाकात जो है फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। बबीता के साथ उनका दो चार मुलाकातों के बाद जो है दोनों में अफेयर शुरू हो गया। बबीता को जब ये पता चला कि कपूर खानदान में शादी करने पर उनको फिल्मों में काम करना छोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ी परेशान हो गई। वहीं रणधीर कपूर को भी ये लगा कि कैसे वो अपने प्यार से जो है अपने परिवार को मिलाए। तो ऐसे में जब वो कल आज कल बना रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने फिल्म की हीरोइन बबीता को ही रख लिया। ये फिल्म जो है 1971 में आई थी, और बबीता जो है इस फिल्म के बाद जो है फिल्में नहीं कर सकी, क्योंकि 1971 में ही 6 नवंबर वो तारीख थी जब रणधीर कपूर और बबीता की शादी हो गई। आपको बताएं, शादी के लिए जो है रणधीर कपूर को बहुत पापड़ बेलने पड़े। उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया। उनके पिता ने कहा, ठीक है, तुम्हारी पसंद को मैं रजामंदी देता हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी जो है वो फिल्मों में काम नहीं करेगी। हालांकि बबीता जो है शुरू में थोड़ी नाराज थी, लेकिन धीरे धीरे वो मान गई, और वो जो है जब उनकी शादी हुई तो वो जो है रणधीर कपूर का घर संभालने लगी। शादी के 6 साल बाद करिश्मा कपूर पैदा हुई। वो डेट थी 25 जून 1974। उसके 6 साल बाद जो है करीना पैदा हुई, और वो डेट थी 20 सितंबर 1980। दोनों बेटियों का जन्म हुआ, और उस दौरान जो है धीरे धीरे रणधीर कपूर का करियर जो है ढलान पे आने लगा। 80 के दशक में जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि फिल्म के सेकंड लीड एक्टर के तौर पर नज़र आने लगे थे। उनकी फिल्मों में उतने पैसे उनको नहीं मिलते थे। उस दौरान सभी लोगों को इतना विज्ञापन नहीं मिलता था, या फिर ऐसे इवेंट्स नहीं होते थे जहां जाकर के एक एक्टर जो है पैसे कमा सके। तो उस पर जो है रणधीर कपूर ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे जो है उस दौरान जो है उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अपने परिवार का खर्चा चलाए। उनकी दोनों बेटियाँ जो है मुंबई के अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, उनकी पत्नी जो कि पहले एक एक्ट्रेस रह चुकी थी, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी थी, तो वो अपने परिवार का खर्च जो है नहीं मेंटेन कर पा रहे थे। वो जो भी कमा कर फिल्मों से लाते थे उससे घर का खर्च तो चल जाता था, लेकिन बच्चों की स्कूल फीस, इसके अलावा जो बबीता के खर्चे, वो सब वो मेंटेन नहीं कर पाते थे। और यही वजह है कि धीरे धीरे उनका पत्नी से थोड़ा मनमुटाव बढ़ने लगा। उनका जब करियर ढलान पे आया तो उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। शराब पीकर वो घर देर से आते थे, फिर बबीता के साथ उनकी लड़ाई होती थी। फिर इसके बाद बबीता ने ये फैसला उनको सुनाया कि उन्होंने तो अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया, लेकिन उनकी बेटियाँ जो हैं फिल्मों में काम करेंगी। रणधीर कपूर ने जब ये सुना तो बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि उनके परिवार में लड़कियों को फिल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसे में उनकी जो दो बहनें थीं उन्होंने भी कभी फिल्मों में काम नहीं किया। परिवार में जिस हीरोइन ने इस परिवार की बहू बनी, उनको भी फिल्मों में काम करना छोड़ना पड़ा। और ऐसे में ये फैसला सुनकर वो जो चौंक गए कि करीना करिश्मा को जो है बबीता बॉलीवुड में हीरोइन बनाना चाहती हैं, उन्होंने इनका विरोध किया। परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी विरोध किया। तब बबीता जो है अपनी दोनों बेटियों को लेकर जो है घर से निकल गई।
उस वक्त करिश्मा कपूर जो है 14 साल की थी और करीना की उम्र जो है 8-9 साल की रही होगी। उसके बाद जो है दोनों बच्चियों को लेकर वो लोखंडवाला में शिफ्ट हो गई। 19 साल तक जो है करीना, करिश्मा और बबीता जो है अपनी माँ के साथ रही और रणधीर कपूर अलग रहे। जब 2003 में करिश्मा की शादी हुई उसके बाद से जो है रणधीर कपूर और बबीता का पैचअप हुआ। हालांकि दोनों काफी समय तक जो है अलग ही रहे। जब से जब उनके भाई राजीव कपूर का निधन हुआ उसके बाद से रणधीर कपूर अब अपनी पत्नी के साथ रहने लगे हैं। रणधीर कपूर की बेटियों ने अपने घर के पास ही उनको एक मकान दिला दिया है जहां उनके मम्मी पापा रहते हैं। और आए दिन आपने देखा होगा कि करीना करिश्मा जो है अपने पापा से मिलने जाती रहती हैं। दोनों बेटियां उनके घर के थोड़े पास में रहती हैं और अभी जो है एक तरह से कह सकते हैं जब इतनी उनकी उम्र ढल चुकी है, 77 साल के हो चुके हैं रणधीर कपूर, तब जो है एक तरह से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू किया है। दोनों की कह सकते हैं हेल्थ अब उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन एक लंबा समय जो है रणधीर कपूर और बबीता ने जो है एक दूसरे के बिना बिताया, क्योंकि बबीता कुछ और सोचती थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटियां फिल्मों में काम करें और रणधीर कपूर जो है इसके सख्त खिलाफ थे और यही वजह है कि पत्नी पत्नी जो है लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहे।